नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, हमें किसी भी जॉब पर स्लॉट या ग्रूव्स बनाने के लिए हम ज़्यादातर कौन से मशीन का यूज़ करते हैं? हम स्लॉटिंग मशीन या मिलिंग मशीन का यहाँ पर यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लॉटिंग मशीन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हमने इसके पहले भी इस पर एक वीडियोस बनाया है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप वह वीडियो ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर वालों के लिए खास तौर पर रहने वाला है। तो चलिए, इसके पहले वीडियो में हमने 310 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अभी हम उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म इन स्लॉटिंग मशीन? स्लॉटिंग मशीन में ड्राइविंग तंत्र का क्या कार्य है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? स्लॉटिंग मशीन में ड्राइविंग तंत्र का क्या कार्य है? रोटरी गति को कवर गति, क्या पूछा है? कन्वर्ट स्लाइडिंग मोशन टू रोटरी मोशन, यानी जो भी स्लाइडिंग मोशन हो रहे उसको क्या करना, रोटरी मोशन में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कन्वर्ट लीनियर मोशन टू ऑसिलेटिंग मोशन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कन्वर्ट ऑसिलेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेट मोशन, यानी गोलाकार जो भी गति हो रही है उसको क्या करना, एक सीधी गति में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर स्लॉटिंग मशीन में जो ड्राइविंग तंत्र है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेट मोशन, यानी वह क्या करती है, रोटरी मोशन को यहाँ पर रेसिप्रोकेट मोशन में परिवर्तित करती है। यानी आपने देखा होगा उसका जो रैम है वह ऊपर नीचे होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन अ स्लॉटिंग मशीन? स्लॉटिंग मशीन में त्वरित वापसी तंत्र उद्देश्य क्या है? स्लॉटिंग मशीन में त्वरित वापसी तंत्र का उद्देश्य क्या है, यानी यहाँ पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों यूज किया जाता है? निष्क्रिय समय को कम करना, निष्क्रिय समय को बढ़ाना, खाली समय को बढ़ाने के लिए, रिड्यूस कटिंग टाइम यानी काटने का समय कम करने के लिए। तो यहाँ पर रिटर्न मैकेनिज्म क्यों दिया जाता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म? दोस्तों देखिए, यहाँ पर यह दिया जाता है, यहाँ पर जो भी हमारा निष्क्रिय समय है उसको कम करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यानी जो भी कटिंग करने के लिए रैम पूरा नीचे आना चाहिए और यह रैम वापस जाने के लिए यहाँ पर कम समय में वापस जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर इसमें तंत्र लगाया जाता है, उसे ही क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहा जाता है। What will the changing in angular distance of a sliding during cutting stroke in a slotting? Slotting में stroke काटने के दौरान sliding के कोणीय दूरी में परिवर्तन क्या होगा? आप पूछा क्वेश्चन में, slotting में stroke काटने के दौरान slide के कोणीय दूरी में परिवर्तन होगा, यानी क्या परिवर्तन होगा? Return stroke से कम, return stroke से ज़्यादा, स्लाइडिंग ब्लॉक स्थिर होगा, वापसी स्ट्रोक में दूरी के बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर देन द रिटर्न स्ट्रोक से ज़्यादा होगा। व्हाट इज द नेम फीड मूवमेंट इफ टेबल मूव्स, इफ टेबल मूव्स टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द कॉलम ऑफ स्लॉटर, यदि स्लॉटर के कॉलम से टेबल की ओर दूरी चले तो नाम फीड मूवमेंट है, तो उस फीड का क्या नाम होगा, क्रॉस मूवमेंट, परिपत्र आंदोलन यानी सर्कुलर मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, तो वह क्या, उस मूवमेंट का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी,
लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, या दिस लॉटर के कॉलम से टेबल की ओर, यानी यह उसका कॉलम है और यह टेबल है, तो यहाँ से ऐसा घूमेगा तो यह कौन सी मूवमेंट होगी, तो यह लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होगी। विच डायरेक्शन द टेबल ऑफ अ स्लॉटर इज मूव्स टू अचीव क्रॉस मूवमेंट, क्रॉस आंदोलन को प्राप्त करने के लिए स्लॉटर की तालिका किस दिशा में चलती है, क्रॉस आंदोलन प्राप्त करने के लिए टेबल है चलना चाहिए या चलता है, कोणीय दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा, स्तंभ चेहरे के समांतर, स्तंभ चेहरे के लंबवत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल टू द कॉलम फेस, स्तंभ चेहरे के समांतर यहाँ पर होना जरूरी है। एंगल टू बी इंडेक्स बाय रोटरी टेबल फॉर मशीनिंग पैरेलल साइड फ्रॉम द रेफरेंस साइड, संदर्भ पक्ष से मशीनिंग समांतर पक्ष के लिए रोटरी टेबल द्वारा कितना कोण अनुक्रमित किया जाता है, 16 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। पक्ष संदर्भ से मशीनिंग समांतर पक्ष के लिए रोटरी टेबल द्वारा कितना कोण अनुक्रमित किया जाना है, तो यहाँ पर 180 डिग्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टूल हेड इज यूज टू जनरल पर्पज स्लॉटर, किस प्रकार के टूल हेड का उपयोग किया जाता है सामान्य प्रयोजन के स्लॉटर के लिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, किस प्रकार के टूल होल्डर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है सामान्य स्लॉटर में, रोटेटिंग टूल हेड, एक्सटेंशन टूल हेड, रिलीविंग टूल हेड, प्लेन टाइप टूल हेड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेन टाइप टूल हेड का यहाँ पर जनरल कार्यों के लिए किया जाता है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड अप्रोच डिस्टेंस इन अ स्लॉटिंग ऑपरेशन, स्लॉटिंग ऑपरेशन में आवश्यक दृष्टिकोण दूरी क्या है, यह पूछा है ऑपरेशन में आवश्यक दृष्टिकोण दूरी क्या है, 15 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 mm जो है वह दृष्टिकोण दूरी यहाँ पर होनी आवश्यक है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोच डिस्टेंस फॉर टूल इन अ स्लॉटिंग, स्लॉटिंग में उपकरण के लिए दृष्टिकोण दूरी प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, क्या हो जाए क्वेश्चन में, स्लॉटिंग में उपकरण के लिए दृष्टिकोण दूरी प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, जीप साफ करने के लिए, स्नेहन देने के लिए, काम को मापने के लिए, चलाने के लिए, पर्याप्त समय पाने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू गेट सफिशियंट टाइम टू फीड, खिलाने के लिए पर्याप्त समय पाने के लिए यहाँ पर स्लॉटिंग में उपकरण के लिए दृष्टिकोण दूरी प्रदान करने का उद्देश्य दिया गया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं मांगे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।